नमस्कार, हूं भी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड सरकार और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के बीच। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में एमओयू साइन किया गया है। दरअसल 23 अक्टूबर को हुई कैबिनेट में कई बड़े फैसले भी लिए गए थे, जिसमें से एक फैसला सीमांत जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली के पशु और मछली पालकों के लिए था। इस फैसले के तहत आईटीबीपी को स्थानीय पशु पालक ही मीट उपलब्ध कराएंगे। कैबिनेट के इस फैसले के मुताबिक बुधवार को उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच एमओयू भी साइन किया गया है। उत्तराखंड सरकार बॉर्डर जिलों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए एक योजना तैयार कर रही है। इस योजना के तहत न सिर्फ आसानी से आईटीबीपी बटालियन को मटन, चिकन और मछली उपलब्ध हो पाएगी, बल्कि इन जिलों में इस योजना से करीब 200 करोड़ रुपए का व्यापार भी होगा, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिकी भी मजबूत होगी। तो आपको बता दें कि पशुपालकों के लिए यह बड़ा फायदा है और 3 जिलों में इस योजना से 200 करोड़ रुपए का व्यापार होगा। सीएम धामी के साथ पशुपालन मंत्री मौजूद रहे और इस दौरान आईटीबीपी के साथ ये समझौता हुआ है, एमओयू साइन किया गया है। उत्तराखंड सरकार मीट और मछली भी उपलब्ध कराएगी आईटीबीपी को, इससे स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। 23 अक्टूबर को कैबिनेट में भी ये फैसला लिया गया था और इसके बाद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली के जो पशुपालक हैं उनको काफी फायदा इस योजना से होगा। 3 जिलों में इस योजना से लगभग 200 करोड़ रुपए का फायदा होगा और ऐसे में सीमा धामी के साथ पशुपालन मंत्री भी मौजूद रहे हैं। इस एमओयू को साइन होने के दौरान उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में एमओयू साइन किया गया है और ऐसे में उत्तराखंड सरकार अब मीट और मछली भी उपलब्ध कराएगी। दीपावली और महालक्ष्मी पूजन को लेकर बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम को सजा दिया गया है। बद्रीनाथ धाम को लगभग 8 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है, जबकि केदारनाथ धाम को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। बता दें कि बद्रीनाथ धाम में 1 नवंबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर तीर्थयात्रियों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। पर जहां पर बद्रीनाथ धाम को सजाया गया, उसके बाद केदारनाथ धाम को भी सजाया गया है। भव्य और दिव्य तरीके से मंदिरों को सजाया गया है। दीपावली की रौनक देखी जा रही है और दोनों तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम को सजाया जा रहा है और ऐसे में तीर्थयात्री बड़ी संख्या में पहुंचते हैं धामों में बाबा के दर्शन के लिए। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, किस तरह की तैयारी भी देखी जा रही है दिवाली को लेकर, क्योंकि धाम पूरी तरह से सजाए जा चुके हैं? बिल्कुल विशाल जी, अभी अब तक जो है जो सिंह द्वार है भगवान बद्री विशाल का बिल्कुल भव्य रूप में नजर आ रहा है और लगभग 60-70% का जो 8 क्विंटल पुष्पों से सजाया जाना वो काम अभी पूरा हो चुका है। अभी भी 8 से 10 जो है सेवक लगे हुए हैं मंदिर समिति के, जो पूरा परिसर है भगवान बद्री विशाल का उसको सजाने में। देर शाम जो है इनमें एलईडी लाइट और जो रंग बिरंगी जो लाइटें लगाई जाएंगी और आज से जो है 3 दिन का यहाँ पे उत्सव भी शुरू हो चुका है। और वैसे भी भगवान बद्री विशाल का जो धाम है वो 8वां वैकुंठ माना जाता है धरती से, तो लिहाजा माता लक्ष्मी जो मंदिर परिसर के बाहर जो है 6 महीने मंदिर में निवास करती है, तो महालक्ष्मी पूजन के दिन इनका बड़ा ही महत्व माना जाता है। और साथ ही भगवान बद्री विशाल जी के साथ जो बद्रीस पंचायत में अभी विराजित हैं जो धन स्वामी कुबेर भगवान के खजांचे हैं, उनकी और श्री हरिनारायण भगवान की पूजाएं जो इन 3 दिनों में की जाएगी। और साथ ही दीपोत्सव के लिए हजारों की तादाद में भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
और कल के समय में लगभग 11,500 श्रद्धालु जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और ये आंकड़ा अगर कपाट खुलने से अब तक अगर देखा जाए तो लगभग 12,56,000 का आंकड़ा जो है श्रद्धालुओं का अकेले बद्री विशाल धाम में ही पूरा हो चुका है। और अभी मेरी जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष हैं किशोर पवार, उनसे बात हुई थी तो उनका कहना है कि जो जिस तरह से कार्तिक स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता जो है बद्रीपुरी में लग रहा है, तो उसको देख करके मंदिर प्रबंधन ने एक विशेष जो मंदिर दर्शन के लाइन है उसको भी बनाया हुआ है ताकि जो बुजुर्ग तीर्थयात्री हैं, जो वृद्ध तीर्थयात्री हैं, उनको भी किसी तरह की क्योंकि बद्रीपुरी में ठंड है, शीत ऋतु शुरू हो चुकी है, तो लिहाजा उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, तो मंदिर समिति के जो कार्मिक है उनको विशेष तौर पर हिदायत दी गई है कि उन लोगों का विशेष ख्याल रखा जाए। तो अलग से एक और जो है पंक्ति तैयार की गई है ताकि इस सीजन में 10 से 12 दिनों में कार्तिक स्नान के लिए लोग जब पहुंच रहे हैं तो उन्हें किसी तरह की दिक्कतें ना हो। ऐसे में कितना उत्साह भी देखा जा रहा है तीर्थयात्रियों में, क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे हुए हैं दिवाली के उपलक्ष्य में भी, और घूमने पहुंचते हैं तीर्थयात्री, तो कैसा उत्साह भी देखा जा रहा है उनमें? अब विशाल जी देखिए, जो सुबह जो है बिल्कुल माइनस में तापमान रहता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान बद्री विशाल के कपाट जब प्रातः काल खुलते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त से ही सिंह द्वार पे इतनी भीड़ मौजूद हो जा रही है कि उनके सामने जो है ठंड ठिठुरन और जो शीत लहर बद्रीनाथ में चलती है वो बेअसर साबित हो रही है। ब्रह्म कपाल से लेके तप्त कुंड और इधर बस स्टैंड से लेके परमार्थ लोक तक जो है श्रद्धालु जहां देखो चारों तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और आज सुबह से जब ये गेंदा पुष्पा चंपा चमेली के पुष्पों से जो सिंह द्वार से लेके पूरे मंदिर परिसर की साज सज्जा करने के बाद जब अभी कोई श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के मंदिर की तरफ निहारता है तो वहां से वापिस आने का बिल्कुल मन ही जो है श्रद्धालु नहीं करता, तो इस तरह की आभा जो है भगवान बद्री विशाल के मंदिर परिसर की और सिंह द्वार की नजर आ रही है। और ये सिलसिला जो है आगे 2 से 3 दिनों तक चलेगा। और बड़ी बात यह है कि भगवान बद्री विशाल के मंदिर में जो है दीपावली 1 नवंबर को मनाई जानी है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दीपावली में सुरक्षित प्रजाति संरक्षित प्रजाति के जीवों की तस्करी को देखते हुए अल्मोड़ा वन विभाग ने सभी चौकियों पर चेकिंग तेज कर दी है। बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में उल्लू, सांप, तोता और अन्य पक्षियों की तस्करी को रोकने के लिए सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। बता दें कि वन्यजीव विहार अल्मोड़ा उत्तराखंड का बड़ा पर्यटन केंद्र है जहाँ पर संरक्षित प्रजाति के पक्षी और जानवर देखे जाते हैं। इसी को देखते हुए विभाग के आला अधिकारियों ने सभी पोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया हुआ है। ये दीपावली के जो है अवसर पर जो है आदमी जो है सभी जो हमारा लोकल है वो सब त्योहार के मौके पे बिजी हो जाते हैं, तो उसके लेके जो है वन अपराध बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इसके लिए सभी को हमारी जो रेंज है सबको निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में सघन पेट्रोलिंग अभियान चलाएं, अपने अपने चेक पोस्ट पर वाहनों की जो है घंटा से जांच करें, और हमारे रेंजू के द्वारा चाहे वो जागेश्वर है चाहे किनारी छीना है और विशेषतः विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वाहनों की सघनता से जांच की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की जा रही है। पिछले दिनों उत्तरकाशी में हुए बवाल पर सियासत अभी भी जारी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पथराव और हंगामा करने वाले लोगों की गिरफ्तारी से सत्ताधारी पार्टी के विधायक नाराज हैं। विधायक ने तो यहां तक कह दिया है कि आंदोलनकारियों पर किए गए मुकदमे को वापस नहीं लिया गया तो एक और बड़ा आंदोलन होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। तो ये जांच का विषय है, उसको देखेंगे। जो सनातन हमारे तमाम लोगों की तरफ से जो बात उठाई जा रही है मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ। तीर्थनगरी उत्तरकाशी में मस्जिद अवैध या वैध, ये तो जांच का विषय है और इसे लेकर पुलिस प्रशासन को जांच करनी ही चाहिए। लेकिन इस सब के बीच विधायक उन लोगों की गिरफ्तारी से नाराज हैं जिनके खिलाफ उत्तरकाशी की पुलिस ने नामजद FIR की है। दरअसल हंगामा और पथराव करने के आरोप में 8 नामजद समेत 200 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है जिनमें कुछ नामजद लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान का कहना है कि कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया जिसे लेकर पुलिस के वरीय अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। सब लगातार इसमें वार्ता चल रही है कि वहां पे क्या है कैसा है, इसकी ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि जो हमारे तमाम लोगों का कहना है कि चार धाम जो हमारे देवभूमि हैं
यहाँ पर कोई इस तरह की मस्जिद नहीं होनी चाहिए। अब है क्या नहीं है, तमाम प्रकार की जो लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत तो कहाँ पे जो है कौन घुमरा हुआ ये देखना पड़ेगा, वो अवैध है ये देखना पड़ेगा। और जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मस्जिद का तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता है, तो ये जांच का विषय है और उसको देखेंगे। जो सनातन हमारे तमाम लोगों की तरफ से जो बात उठाई जा रही है मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ। और अगर वास्तव में जो तमाम चीज़ें जो बाहर आई हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो नजूल भूमि और जो फ्री होल्ड पे कोई उन्होंने जो लिख के दिया है जिला प्रशासन ने, और जो उन्होंने कहा कि जो रस्टी की ज़मीन है उस पर कोई मस्जिद बनी है, तो ये एक जांच का विषय, इसको दिखवाएंगे और मैं इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहा हूँ कि ये मामला है क्या। दरअसल गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने जनपद उत्तरकाशी में 24 अक्टूबर को हुई घटनाक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें विधायक ने पुलिस की तरफ से हिंदू संगठनों के ऊपर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और हिंदू संगठन के ऊपर हुए पथराव पर जांच करने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि धर्मनगरी उत्तरकाशी में जिस तरह से बाहरी लोगों के अतिक्रमण किया है वह शोचनीय विषय है। किन लोगों के शह पर यह बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ करने में कैसे कामयाब हुए, ये सब जांच के विषय हैं। जो 24 तारीख को मैं बाहर था, 24 तारीख को जो घटना यहाँ पर हुई मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। एक शांति नगरी है और जिस तरह से हमारे सनातनियों के साथ जो लट्ठी चार्ज पुलिस के द्वारा किया गया उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और जो भी अधिकारी कर्मचारी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जाँच। साथ ही विधायक ने जनपद की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि पत्थरबाजों पर जल्द कार्रवाई होगी और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रति और चारधाम यात्रा मार्ग होने के साथ साथ धर्मनगरी में अवैध धार्मिक प्रतिक्रिया बर्दाश्त नहीं होगी। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों पर लगे धाराओं को तत्काल प्रभाव से हटाने की भी बातचीत की जा रही है। मामले को लेकर स्थानीय लोग भी गंभीर हैं। बहुत ज्यादा आक्रोशित है। जो यहाँ दुर्घटना हुई है हमारे पुलिस प्रशासन और जो यहाँ के आला अधिकारी है उनके द्वारा जो ये दुर्घटना हुई है हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और अगर लड़कों के साथ जो भी जाती हुई है अगर उसको जो है सरकार जो है उनके मुकदमे वापस नहीं लिए जाते हैं तो ईंट से ईंट बजाई जाएगी। और पूरे शहर में जहाँ भी अभी तक तो लोग शांत हैं केवल इसलिए कि शायद शासन प्रशासन जो है हमारी मदद करेगा, लेकिन अगर मदद नहीं करता है और उनके साथ न्याय नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसके लिए शासन प्रशासन पूरा जिम्मेदार रहेगा। क्योंकि यहाँ की शांत जनता को जो लोग जो है हिंदूवादी संगठन के लोग जो है शांतिप्रिय ढंग से जो है कूच कर रहे थे उनके साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया है और खामो खाम लड़कों पर मुकदमे लगाए गए हैं। इनके पुलिस वाले खुद घायल हुए हैं, अनट्रेन पुलिस वाले भेजे हुए थे। लड़कों की कोई गलती नहीं, इनसे तुरंत मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए, नहीं तो हम लोग जो है प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी चेतावनी हम दे रहे हैं, शासन प्रशासन जो है उसको समझ जाना चाहिए कि अभी लोग जो शांत प्रिय ढंग से समझौता करना चाह रहे हैं। जिला प्रशासन के नाटानी है, दुर्भाग्य फ्रेंड है और मेरा हमारे जो सनातनी भाई लोग हैं जो शांति प्रिय ढंग से जो है अपना आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करते ही पुलिस की जिम्मेदारी थी कि इन लोगों को सुरक्षित, पुलिस ने वहाँ पर जो है बच्चों पर लाठीचार्ज करा, ये बिल्कुल गलत निर्णय है। हमारे सनातनी भाइयों पर जो है गलत गलत धाराएं लगाई गई, जिला प्रशासन त्वरित ढंग से इस धारा को हटाए और हमारे हिंदू भाइयों को त्वरित गति से छोड़ा जाए वरना उग्र आंदोलन होगा। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 24 अक्टूबर को अचानक भीड़ सड़कों पर उतर गई थी और हंगामा करने लगे थे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई थी, इसी बीच किसी ने पथराव कर दिया। गुस्साए लोगों का कहना है कि शहर में अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई जिसे गिराया जाए। भीड़ मस्जिद की तरफ बढ़ रही थी लेकिन पुलिस ने भीड़ को रोक दिया था जिसके बाद पथराव हुआ था। बाद में पुलिस ने 8 नामजद समेत 200 लोगों पर मामला दर्ज किया है जिसका स्थानीय लोग अब विरोध कर रहे हैं। उत्तरकाशी से हॉर्नबिल टीवी के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव न होने के ऐलान के बाद से छात्र नेताओं में काफी आक्रोश है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है जब छात्र छात्राओं को अपने पसंदीदा नेता को चुनने का मौका मिलता है, लेकिन फिलहाल अब ऐसा नहीं होगा। इस रिपोर्ट में देखिए।
उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव पर बवाल। प्रदेश के कई जिलों में सड़क पर छात्र। अब छात्रों ने दी आत्मदाह की धमकी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले इस छात्र की बात सुनकर तो साफ हो जाता है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने से छात्रों में किस हद तक नाराजगी है। लोग धरना प्रदर्शन के साथ ही अनशन कर रहे, छात्र संघ चुनाव कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। मौजूदा वक्त में स्थिति तो यह है कि आंदोलनकारी छात्र अब सरकार को आत्मदाह की चेतावनी तक दे रहे। अल्मोड़ा में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच सोमवार को उस समय भारी हंगामा हो गया था जब विश्वविद्यालय के टाइगर ग्रुप के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दीपक लोनी ने पुलिस की घेराबंदी के बीच अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। शिक्षा मंत्री के प्रति छात्रों में भारी आक्रोश। आक्रोशितों ने शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला। कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। दरअसल उत्तराखंड के अंदर छात्र संघ चुनाव रद्द होने के कारण ज्यादातर महाविद्यालयों में आंदोलन जारी है, जिसके चलते कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय में लगातार पिछले कई दिनों से छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को राजकीय स्नातक महाविद्यालय के कॉलेज के बाहर छात्रों ने धन सिंह रावत का पुतला फूंककर नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने छात्र संघ चुनाव नहीं किया तो वह भी आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की होगी। छात्र कह रहे हैं कि क्या कारण है कि इस बार सरकार ने चुनाव को रद्द करने की बात कही। आज हमारा पांचवा दिन है अनशन का, और ये क्या कहते हैं जो सरकार द्वारा है, राज्य सरकार द्वारा, अभी पहले इन्होंने हाई कोर्ट में फैसला डाला, अब हाई कोर्ट ने कहा है जब उत्तराखंड राज्य सरकार के हाथ में है तो ये लोग क्यों नहीं करा रहे हैं, क्या वजह है जो ये चुनाव के लिए चुनाव की तिथि घोषित नहीं कर रहे, ऐसा क्या रीजन है जो चुनाव नहीं करवा रहे हैं। 23 अप्रैल 2024 जारी हुआ था शैक्षणिक कैलेंडर। 30 सितंबर तक चुनाव कराने के थे दिशा निर्देश। सरकार की डेडलाइन पर नहीं हो पाया चुनाव। लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन। बात सिर्फ अल्मोड़ा की नहीं है, देहरादून समेत कई जिलों में छात्र संघ के नेता लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस बीच पुलिस के धक्का मुक्की भी हो रही है। पिछले दिनों हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था। इसमें छात्र संघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव नहीं कराए और न ही शासन से दिशा निर्देश प्राप्त किए, जो लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है। इससे छात्रों की पढ़ाई में असर पड़ रहा है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव नहीं कराना चाहती है। अगर हम बात करें छात्र संघ चुनाव, तो छात्र संघ का चुनाव भी नहीं करा रही। इनको सितंबर में चुनाव करा देना चाहिए था, और नगर निकाय के चुनाव भी पिछले साल सितंबर में हो जाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने वो चुनाव भी नहीं कराया। पंचायत के जो चुनाव हैं वो तो ये और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इनको मालूम है कि प्रदेश के अंदर हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हम चुनाव जीत सकें। उसी का नतीजा ये रहा कि ये मंगलौर का चुनाव हारे, बद्रीनाथ का उपचुनाव हारे, अब ये छात्र संघ का चुनाव भी हारने वाले थे। इनको इंटेलिजेंस से खबर मिली कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो उन्होंने छात्र संघ के चुनाव को भी रोकने का काम किया। छात्र संघ चुनाव को लेकर विपक्ष का हमला। कोई भी चुनाव कराने से डर रही है सरकार। बीजेपी सरकार के प्रति है लोगों में नाराजगी।
छात्रों के आक्रोश को लेकर विपक्ष भी बीजेपी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी की सरकार ने कोई काम नहीं किया, लिहाजा राज्यवासियों में भारी आक्रोश है। बीजेपी की सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव हो, क्योंकि बीजेपी की सरकार को हार का डर सता रहा। छात्र आंदोलन कर रहे और सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही। ये लेकिन गलत कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के छात्र आज आंदोलन है, पूरे आंदोलन कर रहे हैं। चाहे हम देहरादून की बात करें, हल्द्वानी की बात करें और राज्य के अन्य हिस्सों की बात करें, तो छात्र आज उग्र मूड पर है। कोई किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है तो उसके लिए कौन जवाबदार होगा? प्रदेश सरकार जवाबदार होगी। सरकार छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनको चुनाव कराना चाहिए। आप किसी के जो संवैधानिक अधिकार हैं उसको कैसे छीन सकते हैं आप? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको छीनने का काम कर रही है। हार के डर के मारे वो चुनाव, कोई भी चुनाव राज्य के अंदर नहीं कराना चाहती है। लेकिन ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सरकार को इसमें पुनर्विचार करना चाहिए और छात्र संघ के चुनाव को अविलंब कराना चाहिए। कांग्रेस छात्रों के आंदोलन पर बीजेपी की सफाई, किसी भी बात पर आत्मदाह की धमकी ठीक नहीं। कोर्ट का होगा आदेश तो सरकार पूरी तरह तैयार। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। इधर सत्ताधारी बीजेपी के नेता और प्रवक्ता छात्रों के आंदोलन और विपक्ष के आरोपों पर सफाई देने में लगे हुए हैं। बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि यह परंपरा हो चली है कि कोई टंकी पर चढ़ रहा है, कोई आत्मदाह की कोशिश कर रहा, जो ठीक नहीं। कोर्ट के निर्देश होंगे तो सरकार चुनाव को तैयार है। ये अगर कोई मांग पूरी नहीं होती है तो तत्काल प्रोसेस, ऐसा अपने जीवन का अंत करने के लिए कोई टंकी में चढ़ रहा है, कोई पेट्रोल डाल के आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा है, ये हम सबके लिए ऐसे संस्कार नहीं है और ऐसा उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। जहाँ तक छात्र संघ का चुनाव का सवाल है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने पहले ही दिशा निर्देश दिया था कि 30 सितंबर से पहले ही चुनाव हो जाने चाहिए, किंतु वो नीचे के लोगों ने उसको फॉलो करना चाहिए था, नहीं किया। इसके विपरीत माननीय मंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से सभी लोगों को जो नोटिस भेजा है, जो कुलपति थे उसमें संबंधित, उनको नोटिस भेजा है कि आपने चुनाव तय समय सीमा के अंतर्गत क्यों नहीं करवाए। किंतु उस पीरियड में फिर माननीय हाईकोर्ट का डबल बेंच का फैसला आया और इसके तहत माननीय हाईकोर्ट सर्वोपरि है, उसका सम्मान करते हुए उसी के तहत ऐसा नहीं हो पाया, चुनाव नहीं हो पाए। छात्रों का आंदोलन और विपक्ष का आरोप और इन सब के बीच बीजेपी सरकार की सफाई, आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। लेकिन जो छात्रों का गुस्सा है उसमें इतना तो साफ है कि छात्र रुकने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।